प्यारे बच्चों नमस्कार। इंटर भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। इंटर भूगोल की पहली पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हम लोगों ने जनसंख्या से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जबकि इस पाठ्यपुस्तक में जो कि भारत लोग और अर्थव्यवस्था के नाम से है, हम लोग भारत की जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हम लोगों ने इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में भारतीय जनसंख्या का वितरण, घनत्व व वृद्धि के बारे में जाना था। आज हम लोग जनसंख्या के महत्वपूर्ण पहलू प्रवास का अध्ययन करेंगे, परंतु इसके सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन हम लोगों ने पहली पाठ्यपुस्तक में कर लिया था। आज प्रवास के विभिन्न व्यवहारिक आयामों का भारतीय संदर्भ में हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। तो क्योंकि इस पाठ का नाम ही है प्रवास, प्रकार, कारण और आया जो है परिणाम, तो इस पाठ के अनुरूप हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे प्रवास को। संक्षेप में हम लोग प्रवास की परिभाषा को जानेंगे, हालांकि इसका हम लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया था पहली पाठ्यपुस्तक में। और इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा का अध्ययन करेंगे, यानी भारतीय प्रसार, कहाँ कहाँ पर भारत का जो है प्रसार हुआ और कहाँ से भारत के लोग, मतलब भारत में लोग आकर के बसे, पूरा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसका अध्ययन करेंगे। प्रवास की विभिन्न धाराएं देखेंगे। इसके अलावा भारत में प्रवास की स्थानिक भिन्नता पढ़ेंगे और प्रवास के कारण और परिणामों का अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करने से पूर्व हम लोग जो है यहाँ पर एक कहानी देखते हैं। इस कहानी के मर्म से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है प्रवास को आइडेंटिफाइड किया गया है, कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं और क्या इसके जो है प्रवास के कारण क्या हैं। तो देखिए, कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है, कहानी एक प्रवास की, हम सब प्रवासी हैं जीवन के, ये मैंने जो है इस तरीके से बनाया है अपना एक लाइन, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रवास के कुछ जो है लाइनों को। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में एक छोटे से गांव में हुआ, भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। और 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वो निकटवर्ती कस्बे आरा चले गए। देखिए, यहाँ से एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलना है। वो अपनी अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी चले गए। देखिए, ये रूट बनता है, ये आरा, आरा से सिंदरी, और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, देख रहे हैं ये, और जहाँ वो पिछले 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। तो देखिए, हम लोग प्रवास के यहाँ पर देखिए तीन प्रमुख पड़ाव देखते हैं। एक व्यक्ति है जो राम बाबू नाम है, जो भोजपुर छोटे से कस्बे के गाँव का रहने वाला है। फिर आरा जाता है अपने माध्यमिक अध्ययन के लिए, और फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिंदरी से, और सिंदरी के बाद फिर उसे भिलाई में जॉब मिल जाती है। तो इसने ये सब यहाँ से भोजपुर से चल करके आरा आना, आरा से सिंदरी, सिंदरी से भिलाई, ये क्या है वास्तव में? एक प्रवास, चयनित प्रवास है एक तरीके से, कि विभिन्न समयावधियों में, विभिन्न काल में और विभिन्न कारणों से प्रवास किया। पहले हमने देखा अध्ययन के दृष्टिकोण से प्रवास हुआ, फिर उसके बाद में जॉब के दृष्टिकोण से प्रवास हुआ, ठीक है। और लेकिन उनके पिता जो कि गरीब हैं और वो अभी गांव में ही खेती के लिए करके गुजारा कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, राम बाबू के तीन बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की, ठीक है, और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हैं। तो भिलाई से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, और एक वैज्ञानिक के रूप में वो काम कर रहा है दिल्ली में, ठीक है। और दूसरा बच्चा जो कि लड़की है, ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में वो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने दो प्रवास देखे, प्रवास के दो तरीके देखे। एक आंतरिक प्रवास देखा हमने,
जो कि देश के अंदर ही हो रहा था, भिलाई, भिलाई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से इलाहाबाद। देखिए मतलब ये आंतरिक प्रवास था और आंतरिक प्रवास में भी अंतर्राज्यीय प्रवास था। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास था, तो ये आंतरिक प्रवास था लेकिन अंतर्राज्यीय प्रवास था। और दूसरा जो उनका बेटा बेटी है दूसरी, जो कि भारत से अमेरिका चली गई, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रकार है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हमने ये देखा कि प्रवास के जो दो प्रकार हैं, और ये कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है, ऐसे गमनागमन अधिक गमनागमन, देखिए प्रवास के लिए एक नया शब्द आया है गमनागमन, अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव और गांव से शहर, छोटे शहर से शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रवास के कुछ हमने जो है प्रकार भी देख लिए, जैसे गांव से गांव प्रवास हो रहा है, गांव से शहर प्रवास हो रहा है, छोटे शहर से बड़े शहर प्रवास हो रहा है। ठीक है, और एक देश से दूसरे देश, ये प्रवास के कुछ रूप हैं, प्रकार हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमने प्रवास को एक संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास किया। आइए हम लोग अब इस आगे चलते हैं। एक शायर थे फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी ने जो है एक शायरी कही थी, सर जमीने हिंद पर अवाक से आलम के फिराक में कारवां बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। अर्थात विश्व के सभी भागों से लोगों की कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे, और इसी से भारत की विरचना हुई। विरचना मतलब इसी से भारत फला फूला बना। देखिए इसको मैं एक कहानी के माध्यम से अब थोड़ा सा बयां करता हूँ कि ये कह रहे हैं सर जमीने हिंद, यानी हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन जो है, अवाक से आलम के फिराक में कारवां बसते गए, लोग आते गए और हमारा कारवां बसता गया और इस तरीके से हिंदुस्तान बन करके खड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं, हम इसको तीन कालखंडों में बांटते हैं। हमारे भारत में आने वाले लोगों की जो धाराएं थीं, जो करंट्स हैं भारत बाहर से आने वालों की, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राचीन और दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में देखिए सबसे पहले आर्यंस भारत आते हैं, आर्यंस की शाखा जो कि मिडिल ईस्ट से मध्य पूर्व के एशियाई देशों से भारत आते हैं, और उसके बाद में इंडो ग्रीक यानी एवन आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलो और कुषाण आते हैं। तो इस तरीके से ये जो है प्राचीन भारत में जो है भारत में आने वाले लोगों का कुछ धाराएं थी। और मध्यकाल में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग आए, सबसे पहले तो तुर्क आया, तुर्क के रूप में जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो यहाँ पर रच बस गए, और दूसरे फिर बाद में मुगल्स आते हैं, जो कि बाबर के रूप में पहला मुगल शासक आया और भारत में उसने मुगल वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से मध्यकाल में ये लोग जो है मोस्टली जो है, अगर हम बहुत सारे इतिहासकार इसको जो है मध्यकाल को मुस्लिम इरा मानते हैं, ठीक है, और था भी वास्तव में दिल्ली सल्तनत भी मुसलमानों का ही काल था और मुगल काल भी मुसलमानों का ही काल था। तो जहाँ प्राचीन समय में भारत आने वाले लोग जो थे वो कबीलियाई लोग थे, और मोस्टली यहाँ आकर वो चूँकि प्राकृतिक धर्म मानते थे और यहाँ आकर के उन्होंने हिंदू धर्म को रच बस लिया था, उसी को मानने लगे थे, तमाम धाराएं बन गई थी हिंदू धर्म में भी। और जो आधुनिक भारत में जो आने वाले थे वो मुख्यतः यूरोपियंस थे। अब यूरोपियंस में उस समय चूँकि औद्योगिकरण वगैरह यूरोप में होने लगा था, तो उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो भारत जैसे देशों में जो है रुख कर रहे थे जहाँ संसाधनों की जो है भरमार थी। तो इस तरीके से इसीलिए फिराक गोरखपुरी ने कुछ इसीलिए बयां किया है, सर जमीने हिंद पर अवाक से आलम के फिराक में कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहानी के माध्यम से एक जो है फिराक गोरखपुरी के इस जो है शायरी को हम लोग सिद्ध किया। अब आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रसार। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इंडियन डायस्पोरा के बारे में, तो ये डायस्पोरा वास्तव में है क्या? डायस्पोरा मतलब होता है भारत के लोग किन किन समय में किन किन, अब देखिए प्रवास का मतलब ही होता है किसी निश्चित समय में और किसी निश्चित स्थान की तरफ किसी निश्चित अवधि के लिए लोगों का जो है गमनागमन या स्थानांतरण या परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता प्रवास। तो अब देखिए जो प्रवास के जो समय की बात करें, तो पहली तरंग जो भारत से गई थी प्रवासियों की, उपनिवेश काल में गई थी। उपनिवेश काल मतलब जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, यूरोपियंस यहाँ पर शक्ति के रूप में स्थापित थे, तब उस समय गए थे। दूसरा प्रवासियों का तरंग दूसरा वाला था, ठीक है, ये आज़ादी के बाद ये तरंग गई थी। और तीसरी तरंग जो है प्रवासियों की जो थी, तीसरी तरंग, तो पहली तरंग में हम लोग देख रहे हैं जब अंग्रेज लोग भारत में थे,
तो देखिए यहाँ पर चूँकि भारत की आबादी अच्छी खासी थी और भारत के लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए काफ़ी जो है उनको एक तरीके से प्रशिक्षण मिला हुआ था, चूँकि ऐसे गर्म जलवायु में रहने के वो काफ़ी आदि थे। तो इसलिए ये लोग जब अंग्रेज़ भारत में आए तो इन लोगों ने देखा कि यहाँ के आसपास के जो उष्णकटिबंधीय देश हैं यहाँ पर रोपण कृषि की जाती है, रोपण कृषि की जा सकती है। तो इस रोपण कृषि को करने के लिए भारत के कुछ जैसे बिहार वाले क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से इन्होंने एग्रीमेंट कराकर मजदूरों को और जो है मॉरीशस ले गए और जो है अपना इधर मलेशिया ले गए, इंडोनेशिया ले गए, ठीक है, तो और फिजी ले गए, इन देशों में ले जा करके और इन्होंने उनसे खेती कराई। तो इन लोगों को एक करारबद्ध जो है करार लेकर के इनसे यहाँ के श्रमिकों से करारनामा लेते थे जिसको एग्रीमेंट कहा जाता था। और चूंकि भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो एग्रीमेंट सही कह नहीं पाते थे, तो एग्रीमेंट को कहते थे गिरमिट। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस एक्ट का नाम ही रख दिया गिरमिटिया एक्ट या गिरमिट एक्ट। तो इस गिरमिट एक्ट के तहत जो है रोपण कृषि के लिए भारतीय श्रमिकों का उष्णकटिबंधीय देशों की तरफ खेती के लिए ले जाया गया। आज देखिए जो फिजी जैसे देशों में आज वहाँ पर बिहार की बहुत सारी जनसंख्या रह रही है और यहीं यहाँ तक कि वहाँ पर जो वहाँ के शासक हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भारतीय ओरिजिन के ही हैं मुख्यतः। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। और दूसरा है जो है जब आज़ादी के बाद, अब चूंकि भारत एक बढ़ती हुई आबादी वाला देश है तो यहाँ पर आर्थिक संसाधनों की कमी होने की वजह से कुछ लोग व्यापारी, शिल्पी और फैक्ट्री मजदूर ये लोग रुक किए, खास करके मध्य पूर्व के देशों की तरफ जो है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ की तरफ, गल्फ कंट्रीज़ की तरफ इन लोगों ने जो है रुक किया और वहाँ गए। तो ये तरंगों दूसरा तरंग था जो कि 1950 के दशक के बाद ये लोग गए। और तीसरा तरंग जो प्रवासियों को गया, इसमें ज़्यादातर शिक्षित व्यक्तियों का तरंग था जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं और वित्तीय विशेषज्ञ होते थे, ये सब लोग गए। जो कि 1980 के दशक के पश्चात इन लोगों का, जब खास करके भारत में उदारीकरण का दौर आया, पूरे विश्व में उदारीकरण का दौर आया, तो इन लोगों का यहाँ से जो है प्रसार हुआ, इसीलिए इसको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता। अब ये लोग जहाँ भी जाकर रह गए, अब इनको एक शब्द दिया गया इनके लिए NRI, इनके लिए एक शब्द दिया गया NRI, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया। तो ये अप्रवासी भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि भारत में जो है अप्रवासी दिवस के रूप में हर साल जो है 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये भारतीय डायस्पोरा था। आप देखिए इस डायस्पोरा का जो है, चूँकि बहुत बड़ा एक जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का जो है विदेशों में रह रहा है, कम से कम पूरी दुनिया के 110 देशों में इंडियन डायस्पोरा रहता है। और अभी चूंकि इनकी जो जड़ें हैं भारत में पेवस्थ हैं कहीं ना कहीं, तो भारत में इनकी जड़ें पेवस्थ होने की वजह से इनका जुड़ाव भारत से है और भारत में अपने जो है पूर्वजों के लिए, अपने जो है रिश्तेदारों के लिए अभी भी बहुत सारा रिमिटेंसेज फंड्स भेजते रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ देखते हैं टॉप डायस्पोरा ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सब जो है टॉप डायस्पोरा ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें देखिए ये है टॉप 7 कंट्रीज ऑफ ओरिजिन फॉर ग्लोबल डायस्पोरा। देखिए भारत जो है डायस्पोरा के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। लगभग 15.6 मिलियन जो है लोग विदेशों में रह रहे हैं भारत से गए हुए। और दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, तीसरे नंबर पे रसिया है, चौथे नंबर पे चाइना है। यानी डायस्पोरा के मामले में, भारतीय प्रसार के मामले में भारतीय प्रवासी जो विदेश में गए हैं उनमें दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है। और जो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर प्रवासी ज़्यादा जाते हैं उनमें जो है US नंबर 1 पे है, फिर जर्मनी है, फिर रसा है, फिर सऊदी अरबिया है, फिर इंग्लैंड है। तो ये सारे देश क्या हैं, ये माइग्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। US की कुछ पॉलिसी ऐसी है कि माइग्रेशन वहाँ पर जो है अट्रैक्ट होती है कुछ आर्थिक उदारीकरण के कारण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो है इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रसार किन किन देशों में ज़्यादा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है साउथ ईस्ट एशिया में 32% है लगभग, साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा। जो हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वहाँ पर 32% इंडियन डायस्पोरा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन कौन से आएंगे, यही सब आ जाएंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका जो है सिंगापुर, इन सब देशों में
बहुत ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा है, और दूसरे नंबर पे है गल्फ कंट्रीज़ यानी मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में जो है अभी भी मजदूरों श्रमिकों के रूप में बहुत सारे लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं। और ये तीसरे नंबर पे यूएसए है, और इस तरीके से छोटे छोटे अन्य बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर भारत के लोग जा कर के जो है अभी रह रहे हैं एनआरआई के रूप में। तो सबसे पहला नंबर आपका दक्षिण पूर्व एशिया का है, फिर गल्फ कंट्रीज़ का है, मध्य पूर्व एशिया का है, फिर यूएसए का है, फिर यूके का है, इंग्लैंड का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख लेना, पाई चार्ट के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब चूँकि इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में है, इंडियन डायस्पोरा द्वारा भारत को भेजे गए रेमिटेंस, अब इसका फ़ायदा क्या है, भारत वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, तो देखिए 69 बिलियन जो है डॉलर, यूएस डॉलर भारत में जो है इन विदेशियों से, जो विदेश में एनआरआई जो रह रहे हैं उनसे कमाई होती है। दुनिया में सबसे अधिक अगर रेमिटेंस किसी देश में आता है, रेमिटेंस का मतलब विदेशी, मतलब एनआरआई भारतीय प्रवासी जो विदेश में रह रहे हैं और वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है इंडिया भेजते हैं, तो उसमें दुनिया में नंबर वन है। हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि भारत जो है इंडिया दुनिया में प्रवासियों को भेजने वाला नंबर वन कंट्री है, यानी यहाँ से जो है उत्प्रवास अधिक होता है दुनिया के देशों के लिए। और इसी प्रकार से भारत ऐसा भी देश है जो दुनिया का सबसे अधिक रिमिटेंस आकर्षित करता है, सबसे अधिक जो है हुंडियाँ भारत आती हैं, विदेश में रहने वाले लोग भेजते हैं। फिर चाइना है दूसरे नंबर पर 64 बिलियन डॉलर, फिर फिलीपींस है। तो इस तरीके से आप चार्ट देख सकते हैं और जो किस तरीके से भारत का इसमें नंबर वन स्थान है। अब प्रवास की धाराएं हम देखेंगे, प्रवास के प्रकार देखेंगे या धाराएं देखेंगे। हमने उस स्टोरी के माध्यम से देखा था कि कुछ प्रवास जो है ये दूरी के आधार पे गांव से गांव की तरफ होता है, गांव से नगर, और छोटे नगर से बड़े नगर, और फिर नगर से गाँव की तरफ भी प्रवास होता है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली इसके कुछ आर्थिक आधार भी हैं और कुछ सामाजिक आधार भी हैं। सामाजिक आधार की बात करें तो वैवाहिक एक सबसे प्रमुख कारण है जो गांव से गांव की तरफ प्रवास होता है, खास करके महिलाओं का प्रवास गांव से गांव अधिक देखा गया है, क्योंकि महिलाएं जो है शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं, और ससुराल अगर मान लेते हैं गांव में, चूंकि आबादी काफ़ी आबादी लगभग 68% से अधिक आबादी गांव में रहती है, तो इसलिए जो है गांव से गांव प्रवास स्त्रियों का ज़्यादा देखने को मिलता है, सब आगे हम लोग देखेंगे। और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ज़िले से दूसरे ज़िले, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे भारत देश से दूसरे देश की तरफ प्रवास। ये सब हमने सिद्धांत के रूप में जो है पहली पाठ्य पुस्तक में पढ़ लिया था। अगर जिन बच्चों ने हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो वो लोग उस वीडियोज़ को अवश्य देख लें, जब सिद्धांत को समझे रहेंगे तभी यहाँ पर हम इसका जो है व्यवहारिक ज्ञान आसानी से समझ पाएंगे। और तीसरा है स्थायित्व के आधार पे, तो स्थायी अस्थायी मौसमी ये सब हमने बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो में समझाया, यहाँ पर हम लोग समय जाया नहीं करेंगे, उसे आप देख लीजिएगा। तो आंतरिक प्रवास की धाराओं में दो हम देखते हैं, स्त्री और पुरुषों का प्रवास किस तरीके से होता है। तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास है, अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब होता है एक राज्य मतलब एक ही देश के भीतर एक राज्य से एक राज्य के अंदर ही जो है, अंतर्राज्यीय मतलब एक ही राज्य की सीमा, जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में जो है खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है लोग आर्थिक आधार के कारण जो है प्रवास करते हैं पूर्वी यूरोप से, तो मतलब उत्तर प्रदेश में ही बलिया से लेकर के और आगरा तक का जो प्रवास होता है ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, एक ही राज्य के अंतर्गत। और दूसरा होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, मतलब एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करना, ये कहलाता है अंतर्राज्यीय प्रवास। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राज्यीय प्रवास में हमने ये दंड आरेख के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ये वाली डार्क लाइन जो है ये स्त्री को दर्शाता है और ये हल्की लाइन हल्का दंड आरेख पुरुष को दिखाता है। तो देखिए गाँव से गाँव, इसमें चारों प्रवास दिखाए गए हैं, गाँव से गाँव, गाँव से नगर, नगर से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय, ठीक है। तो इसमें महिलाओं का प्रवास अधिक हुआ, हमने पहले बताया भी था कि महिलाएं जो है गांव से गांव की तरफ प्रवास क्यों करती हैं, वैवाहिक स्थिति के कारण, और पुरुषों का अपेक्षाकृत प्रवास कम हुआ है। लेकिन ग्राम से नगर की तरफ, अब गांव से नगर की तरफ भी अंतर्राज्यीय प्रवास थोड़ा सा महिलाओं का ज़्यादा हुआ है, लेकिन नगर से ग्राम की ओर, नगर से ग्राम की ओर जो है इसमें भी महिलाओं का प्रवास अपेक्षाकृत ज़्यादा हुआ है, और नगर से नगर ये भी महिलाएं इसमें लीडिंग पे हैं। तो इस तरीके से अंतर्राज्यीय प्रवास में ज़्यादातर सामाजिक कारक हमने देखा हावी रहता है,
लेकिन अंतरराज्यीय प्रवास यानी थोड़ी दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए जो प्रवास होता है, इसमें ये पुरुष प्रधान प्रवास होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हल्की वाली, हल्का वाला बार ग्राफ है वो महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसमें अंतरराज्यीय प्रवास में जो है ग्रामीण से ग्रामीण स्त्री हैं, लेकिन जो है अपेक्षाकृत इस वाले डंडारेख के, इस वाले चित्र की अपेक्षा जो है, जो यहाँ पे इसका आरेख था काफ़ी ऊंचा था और यहाँ पे इतना ऊंचा नहीं है, ठीक है। तो स्त्रियों का प्रवास अपेक्षाकृत अधिक हुआ है पुरुषों से, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना अंतरराज्यीय में हुआ था। तो यहाँ पुरुषों का भी प्रवास कुछ ना कुछ बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक कारक है, ठीक है। और ग्रामीण से नगर की ओर प्रवास हुआ है तो पुरुष इसमें लीडिंग पर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रोजगार की तलाश में पुरुषों का प्रवास अधिक हुआ है गाँव से शहरों की तरफ। और नगर से ग्रामीण इसमें लगभग बराबर है स्त्री और पुरुषों का प्रवास, क्योंकि जो है नगर से गाँव की तरफ तो जो है आर्थिक खोज के कारण जो है पुरुषों का तो प्रवास नहीं होता, क्योंकि कोई भी जो रोजगार की तलाश में गांव की तरफ नगर से तो नहीं जाता है। तो इसमें मोस्टली जो प्रवास होता है स्त्रियों का वो जो है वैवाहिक जो है उसके कारण होता है, और दूसरा कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद अपने गांव की तरफ प्रवास कर जाते हैं, तो इसलिए दोनों की स्थिति यहां पर बराबर दिखाई गई है। और तीसरा है, चौथा है नगर से नगर, नगर से नगर में भी लगभग स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवास इसमें अंतरराज्यीय में बराबर है। तो ये दूर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ होने वाले प्रवास हैं, इसमें हमने देखा बहुत सारी विविधताएं दिखाई दी, ठीक। अब आंतरिक प्रवास की धाराएं हम लोग देख लेते हैं कि मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है आंतरिक प्रवास में, जो है ये जो हमने क्षेत्रीय विभिन्नता की बात की थी कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो उद्गम स्रोत है, प्रवास का उद्गम स्रोत है यानी उत्प्रवास का क्षेत्र है, कौन सा राज्य जो है वो अप्रवास का क्षेत्र है। तो देखिए एक फैक्ट याद रखिए कि जो हमारा महाराष्ट्र है वो प्रवास के लिए, अप्रवासन के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक जो है प्रवास को आकर्षित करने वाला राज्य है महाराष्ट्र है, फिर गोवा मतलब गोवा हो जाता है, इधर कर्नाटक है, ये सब सबसे ज़्यादा प्रवास को आकर्षित करने वाले राज्य हैं। और महाराष्ट्र में भी जो अगर शहर नगरों की बात करें तो महानगरीय में सबसे बड़ा जो नगर है वो मुंबई है, सबसे ज़्यादा प्रवास को आकर्षित करने के लिए। तो धाराओं की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश डेस्टिनेशन रहा है, यहाँ से लोग हरियाणा भी गए हैं, यहाँ से लोग गुजरात भी जा रहे हैं, मुंबई भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल और बिहार का है, यहाँ से भी लोग आंध्र प्रदेश और इस तरीके से केरला की तरफ इनकी धाराएँ आ रही हैं, ठीक। और बिहार के लोग भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ इस तरीके से अगर इसको हम अगर समराइज करें तो ये वाला हिस्सा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला पश्चिमी भारत का हिस्सा है, ये ज़्यादातर क्या करता है, अप्रवासन का काम करता है, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करता है प्रवासियों को। और ये वाला हिस्सा जो है वो उत्प्रवास का क्षेत्र है, जहाँ से उद्गम क्षेत्र है प्रवास, जहाँ से शुरू होता है। तो ये उत्तर पूर्व वाला हिस्सा, तो ये क्यों है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़ा है, ये वाला क्षेत्र अपेक्षाकृत जो है एडवांस है। तो इस कारण से ये जो है अंतरराज्यीय विभिन्नता प्रवास में दिखाई देती है। अब हम लोग देखेंगे पड़ोसी देशों से भारत की ओर अप्रवास। अब हमारे पड़ोसी देश जो हैं वहाँ से भारत की तरफ किस तरीके से अप्रवास कहाँ कहाँ किन किन देशों से हुआ है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग भारत आए हैं। तो भारत बांग्लादेश से आने का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है, मुख्य रूप से जो है शरणार्थी, बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए बांग्लादेश से ज़्यादा प्रवास हुआ है भारत की तरफ। फिर पाकिस्तान से बंटवारे की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी हुआ है, लेकिन 2019 का यह आंकड़ा है। तो पाकिस्तान से भी प्रवास हुआ है भारत की तरफ। अभी जो है कुछ इस तरीके से जो है कुछ हिंदू और मुस्लिम जो है उस कुछ वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे हिंदू के रूप में, उनका प्रवास 2019 में ज़्यादा हुआ है भारत की तरफ। नेपाल से भी हुआ है, नेपाल के बहुत सारे श्रमिक मजदूर जो है भारत में, सूरत है, मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ पर काम के लिए आते हैं। फिर श्रीलंका है और चाइना है, चाइना से बहुत कम है। तो सबसे अधिक इनका याद रखना है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा प्रवास भारत की तरफ हुआ है। अब प्रवास के कुछ कारक हैं, कुछ इसके क्या कारक है, क्या कारण है, प्रवास क्यों होता है। तो इसके दो कारक हैं, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पहले वाले पाठ्यपुस्तक में बताया था। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है मूल स्थान छोड़ने को बाध्य करने वाले कारक होते हैं। प्रतिकर्ष यानी कि प्रवास के लिए जो पुश कारक हैं, धक्का देने वाले, वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। और अपकर्ष कारक वे होते हैं जो अपने तरफ प्रवास को खींचते हैं, यानी
पुल कारक होते हैं, अपनी तरफ खींचने वाले पुल कारक फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें बेरोजगारी, इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, बेरोजगारी है, बीमारी है, प्रतिकूल जलवायु है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, राजनीतिक उपद्रव है, ये सब इसके प्रतिकर्ष कारक हैं जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लोग जो है प्रवास कर जाते हैं। और अपकर्ष कारक में है रोजगार के अच्छे अवसर, जैसे शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी हैं, अनुकूल जलवायु है, रहन सहन अच्छा है और वातावरण वहाँ का जो है माहौल शांत है, तो लोग जो है प्रवास के लिए आकर्षित होते हैं या लालायित होते हैं। तो ये सब हमने डिटेल से पढ़ा है फर्स्ट पास पाठ्य पुस्तक में, तो वहाँ आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर पुरुष प्रवास के कारण और स्त्री प्रवास के कारण को हमने डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। देखिए ये वाला सर्किल जो है इसमें 38% स्त्रियों का प्रवास जो होता है वो विवाह के कारण होता है मोस्टली, और यहाँ पर लगभग 65% प्रवास जो पुरुषों का होता है काम और रोजगार की तलाश के कारण होता है, ठीक है। लेकिन मेघालय में विवाह के उपरांत महिला प्रवास नहीं होता है। एक फैक्ट याद रखना कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ट्रेडिशन, वहाँ की परंपराएं उल्टी हैं, परंपराएं उल्टी हैं, मतलब वहाँ पर महिलाएं प्रवास नहीं करती हैं, शादी के बाद माई ससुराल नहीं जाती, बल्कि वहाँ पर शादी के बाद महिला के घर रहने के लिए पुरुष आता है। इसलिए मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं का प्रवास कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सर्किल के माध्यम से आप समझ सकते हो इसको। प्रवास के परिणाम, अब हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे प्रवास के क्या परिणाम हैं। तो एक आर्थिक परिणाम पड़ता है, जनांकिकी परिणाम पड़ता है, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और पर्यावरणीय परिणाम पड़ता है, इनको हम लोग ब्रीफ में अध्ययन करते हैं। देखिए आर्थिक परिणाम में सबसे बड़ा तो रेमिटेंस की प्राप्ति होती है। मान लेते हैं भारत के जो NRIs हैं, जो भारत के डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा है, वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कितने लगभग 68 बिलियन डॉलर जो है भारत को मतलब पैसे भेजते हैं, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में उस पैसे को लगाया जाता है और विकास के काम में आती है, वो पैसा विकास के काम में आता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जो मजबूत करने का काम भी करता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा जनांकिकीय परिणाम, जो जनसंख्या का पुनर्वितरण हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है, एक उदाहरण से समझिए। जैसे गांव से पुरुष का प्रवास हुआ है, हमने देखा था कि अंतरराज्यीय प्रवास में क्या होता है कि गांव से शहर जो है नगरों की तरफ पुरुषों का प्रवास ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक जो है संबल प्राप्ति के लिए, रोजगार की तलाशी के लिए, काम की तलाशी के लिए पुरुषों का प्रवास ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर मान लेते हैं पुरुषों का प्रवास किसी गांव से अधिक हो गया तो वहां पर जनांकिकी जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, वहां का जो स्त्री पुरुष अनुपात है यानी लिंगानुपात है वहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। तो जो गणना करने वाला व्यक्ति जाएगा तो वहाँ का लिंगानुपात उसे ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा, वो नेचुरल नहीं होता है, वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो किस लिए हुआ, प्रवास के कारण हुआ। तो ये जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। मतलब अब देखिए शहरों की तरफ जो है जनसंख्या बड़े के पुंज दिखाई देते हैं बड़े बड़े, और जो है गाँव जो है खाली हो जाते हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है जनांकिकी परिणाम के तहत। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में देखें नवाचार प्रसरण होता है। देखिए बहुत बड़ा कारण है, प्रभाव पड़ता है प्रसार का या प्रवास का, नवाचार प्रसरण। देखिए अब जैसे मुंबई में मान लेते हैं किसी एक पिछड़े गाँव का व्यक्ति मुंबई चला गया रहने के लिए, और मुंबई एक ऐसा हब है जहाँ पर व्यक्ति जो है जो जितनी भी नवाचारें होती हैं, जितने भी इनोवेशंस होते हैं, जितना भी वहाँ पर नई नई तकनीक आती है या नए नए ड्रेसेस सेंस आते हैं पहनने के लिए, वो सब वहाँ सीखता है और उसका प्रसार छोटे गांवों तक, छोटे कस्बों तक पहुँचता है और बहुत जल्दी शीघ्र पहुँच जाता है। तो ये सब क्यों, कैसे हुआ, प्रवास के कारण हुआ। और राजनीतिक प्रवास का प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र में स्थायित्व आता है। देखिए जब लोग एक दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, एक से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो सब समझते हैं, सीखते हैं। तो इस तरीके से राजनीति में एक तरीके से परिपक्वता आती है, स्थायित्व आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर पड़ता है वो पर्यावरण पर पड़ता है। अब देखिए किसी भी स्थान पर अगर रोजगार की तलाश में प्रवास अधिक हुआ तो वहां पर जो है जनसंख्या बढ़ जाती है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण तमाम प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र का जो धारावी वाला क्षेत्र है
वो दुनिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे नंबर वन जो है वो स्लम एरिया है धारावी मुंबई का, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी ये, और वो कैसे बना, क्योंकि भारत के विभिन्न कोनों से छोटे कस्बों से गांवों से लोग जा करके वहाँ बस गए और झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, तो इसलिए अब उस क्षेत्र में जो है वहाँ का पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है, वहाँ का जल दूषित हो रहा है और वहाँ के वन ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ के जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, तो और वहाँ पर जो है जनसंख्या पॉपुलेशन अधिक हो जाने की वजह से वहाँ का वायुमंडल हीट हो रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे पर्यावरणीय प्रभाव जो है पड़ते हैं। और शहरों में जब लोग ज़्यादा रहने लगते हैं तो शहरों में तमाम प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मतलब वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगे होते हैं, तो इस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, तो प्रवास के कारण कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्यावरणीय प्रभाव भी दिखाई देता है। और अब देखिए हमने इसको थोड़ा सा जोड़ने का कोशिश किया है कोविड-19 महामारी का प्रवास पर प्रभाव। देखिए ये आज का बहुत ही जो है ज्वलंत जो है प्रभाव है, अभी देखने को मिला है राष्ट्रीय प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। देखिए प्रवासी मजदूरों का सामूहिक स्थानांतरण हुआ है बहुत बड़े मात्रा में, परिणामस्वरूप नगरीय आर्थिक गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अभी जो हम नहीं देख पा रहे हैं ये आने वाले समय में बहुत गहराई में दिखाई देने वाला है। मुंबई से अभी हमने एक न्यूज़ सुना था लगभग 25-30 हज़ार टैक्सियां जो है वहाँ से पलायन कर रही हैं। अब देखिए वो सब पलायन करके वहाँ से चली आएंगी तो जो वहाँ के जो एक तरीके से भाई वहाँ की टैक्सियां जो ये मानी जाती थी कि जो है नर्वस सिस्टम है मुंबई की जो है धड़कने हैं, अब वो धड़कन ही वहाँ से बंद हो रही रुक रही है, तो वो अर्थव्यवस्था वहाँ पर चौपट होने वाली है। क्यों? क्योंकि कोविड जैसी महामारी जो आ गई है अब इसके कारण जो है बहुत बड़ा ये प्रभाव राष्ट्रीय प्रभाव पड़ने वाला है। अब एक बात और समझ लीजिए, जो प्रवासी जिस प्रवासी का अभी आपने सुना होगा बहुत सारे प्रवासी वहाँ से पैदल चले हैं लगभग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं बुज़ुर्ग इन लोगों ने जो है प्रवास किया है, तो क्या ये दोबारा फिर जो है इतनी शीघ्रता से इतनी आसानी से दोबारा काम की तलाश में मुंबई या जो है बड़े शहरों की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से तो इतना आसान नहीं है जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रास्ते में हताहत भी हुए, मर भी गए जो है पैदल चलने के कारण, और कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तो मजदूरों का एक तरीके से जो उनका अपना मनोबल है वो टूटा है कहीं ना कहीं, तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रभाव होने वाला है। ये प्रवास जो हुआ है अनैच्छिक प्रवास हुआ है कोविड महामारी का, तो प्रवास पर जो है एक तरीके से महामारी का या जो है आपदा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखिए इसका थोड़ा सा एक हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, कुछ जो है वैश्विक आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ने की कगार पर है। अब जो है विश्व दुनिया के सभी देश अब जो है इस चीज़ को समझ गए हैं कि आगे बढ़ना है तो अपने आप में ही बढ़ना है, दूसरों पर निर्भर रहकर नहीं बढ़ सकते हैं। अब जैसे अमेरिका था, अमेरिका की इकोनॉमी वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो डायस्पोरा पर निर्भर थी, चाहे इंडियन डायस्पोरा हो चाहे चाइनीज़ डायस्पोरा हो, कहीं किसी की भी डायस्पोरा थी, मतलब किसी भी देश के लोग वहाँ एक तरीके से ज़्यादातर प्रवासी ही रह रहे थे। और अब प्रवासी वहाँ से मतलब पलायन करना शुरू किए हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका और यूरोपियन जैसे देशों पर इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरीके से मजदूरों का जो है सामूहिक स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहीं पर जो है ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग कोविड महामारी में जो है लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करिए, ठीक है। और हमारे सारे वीडियोस देखिए, जा करके फर्स्ट चैप्टर जो है पाठ्यपुस्तक के सारे वीडियोस देखिए, और इसका इस दूसरी पाठ्यपुस्तक का जो है पहला चैप्टर भी आप लोग पढ़िए, और इसमें किताब को डाउनलोड कर लीजिए जो है, और उसके बाद जो पीछे दिए हुए प्रश्न हैं उनको हल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए जो है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।